ये बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां राज्य में आज 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर पर मतदान जारी है। वहीं बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद वोटिंग में जारी है। वही सुबह 9 बजे तक मतदान का प्रतिशत, चलिए आपको बताते हैं हम आपको 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत। सहारनपुर में 16.49% वोटिंग हुई, वही कैराना में 12.45% वोटिंग हुई। चलिए आपको बताते हैं मुजफ्फरपुर नगर का, जहां 11.31% वोटिंग हुई। नगीना में 13.91% वोटिंग हुई। वही मुरादाबाद में 10.89% वोटिंग हुई। वही रामपुर में 10.66% वोटिंग हुई। वही पीलीभीत में 13.... यूपी की 8 लोकसभा सीट पर आज वोटिंग जारी है, जहां लोकसभा चुनाव में सब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 8 निर्वाचन क्षेत्र में 12.66% वोटिंग हुई। सुबह 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत, चलिए हम आपको बताते हैं। जहां सहारनपुर में 16.49% वोटिंग हुई, वही कैराना में 12.45% वोटिंग हुई। वही मुजफ्फरनगर में 11.31% वोटिंग हुई और बिजनौर में 12.37% वोटिंग हुई। हमारी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कैसे वृद्ध महिलाएं भी मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। हम आपको बता रहे हैं 9 बजे तक का अपडेट जो कि रामपुर में हुआ। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीट पर वोटिंग जारी है, हम आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं, जहां सब बढ़ चढ़ कर चुनाव में हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 8 निर्वाचन क्षेत्र में 12.66% वोटिंग हुई। सुबह 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत, वही सहारनपुर में 16.49% वोटिंग हुई, कैराना में 12.45% वोटिंग हुई। चलिए हम आपको बताते हैं, जहां सहारनपुर में 16.49% वोटिंग हुई, वही कैराना में 12.45% वोटिंग हुई। मुजफ्फरनगर में 11.31% वोटिंग हुई। वही बिजनौर में 12.37% मतदान हुआ। नगीना में 13.91% वोटिंग हुई, वही मतदान हुआ। वही रामपुर में 10.66% वोटिंग हुई। पीलीभीत में 13.36% वोटिंग हुई। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीट पर वोटिंग जारी है, जो कि हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, यूपी में आज 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है, जहां सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर पर मतदान जारी है। वही बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद वोटिंग जारी है। वही रायपुर और पीलीभीत में भी मतदान में जोरों शोरों से भाग लिया जा रहा है। इसी से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, रेहान वासी जी। जी रेहान वासी जी, जैसे उत्तर प्रदेश में 8 सीटें हैं, उसको लेकर क्या क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में पश्चिमी यूपी में आज चुनाव हो रहे हैं। 8 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और इसमें 80 प्रत्याशियों की किस्मत आजमाई जा रही है, जिनकी किस्मत आज मतदाता ईवीएम में कैद कर रहे हैं। अगर हम बूथ स्थल की बात करें तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, कोई भी लापरवाही नहीं बरती जा रही है। और अगर अभी तक सुबह 7 बजे से अभी तक वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो सहारनपुर की बात करें तो 29% मतदान हुआ है, बिजनौर की बात करें तो 25%, कैराना 25%, मुजफ्फरनगर 22%, नगीना 26%, मुरादाबाद 23%, रामपुर 20%, पीलीभीत 26%। कुल मतदान जो हुआ है वो अभी तक 25% हुआ है। और अगर हम इनके प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें तो पीलीभीत से जितिन प्रसाद हैं और ये और मुजफ्फरनगर से संजीव बलियान हैं, आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं। इन सभी की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। और जी, जैसा कि आपने बताया, अब मैं ये पूछना चाहूंगी कि किन प्रत्याशियों ने अब तक मतदान कर दिया है? लगभग सभी प्रत्याशियों ने अपना मतदान कर दिया है और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, चाहे भाजपा पार्टी की बात करें या समाजवादी की पार्टी की बात करें या और जो अन्य दल हैं, वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग निकलकर मतदान करें। और मतदान हो भी रहा है और इस बार प्रयास लगाया जा रहा है कि जो 2019 में जितने परसेंट मतदान हुआ था उससे बढ़ चढ़ के होगा, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं वो लोगों से मतदान करने की अपील कर रहे थे। जी जी जी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपकी पहले के मुताबिक इस बार क्या मतदान प्रतिशत हो सकते हैं? सहारनपुर में सबसे ज्यादा प्रतिशत देखने को मिला, इस पर आप क्या कहेंगे?
सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर में मतदान चल रहा है और उम्मीद है कि पिछली बार से ज्यादा ही वोटिंग होगी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं ये पूछना चाहूंगी कि पीलीभीत सीट हॉट सीट है, उस पर आपका क्या कहना है? पीलीभीत सीट से लगातार समाजवादी और भाजपा में टक्कर है और ये माना जा रहा है कि जो सीट है वहां पर भाजपा ही निकालेगी। जी जी जी। तो मतदान स्थल में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि सुरक्षा के क्या क्या और कैसे इंतजाम हैं? जी, पैरामिलिट्री फोर्स का इंतजाम किया गया है और कई सेक्टरों में बांटा गया है, सेक्टर मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं और वहां पर लगातार बताया जा रहा है कि किसी तरह की कोई भी व्यवस्था वो ना हो। जी जी जी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि मतदाताओं में कैसा उत्साह है ये चुनाव को लेकर, जो पहली बार वोट डाल रहे हैं युवा मतदाता? बिल्कुल, लोकतंत्र का पर्व है, मतदान हो रहा है और लगातार जो मतदाता हैं, चाहे बुजुर्ग की बात करें या महिलाओं की बात करें या पुरुष की बात करें, लगातार लोग निकल रहे हैं और अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया राशिद जी। तो जैसा कि हमने बताया कि उत्तर प्रदेश में आज 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर में पर मतदान जारी है, वही बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद वोटिंग जारी है, वही रामपुर और पीलीभीत में भी मतदान जारी है। सभी मतदान स्थल पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था भी की गई है।